वेलकम टू विशाल जोली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया हुआ है, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट एंड प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ आई ऑफ इंटीजर्स एंड डिटरमाइन द इक्विवेलेंस क्लासेज ऑल्सो। यानी कि हमें एक क्वेश्चन में यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंस रिलेशन को हमें डिफाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और जो तीसरा क्वेश्चन इसी में है वो हमें डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंट क्लास किसका डिफाइन करना है, तो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 का। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिए हुए हैं डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। कोई भी रिलेशन आर है, कोई सेट ए पे डिफाइंड है कुछ इस तरह से कि वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों कंडीशन कौन कौन सा, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा जो क्या हो जाएगा, वो जो हमारा रिलेशन होगा आर, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। अब समझिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव कब कहा जाता है कोई भी रिलेशन को, जब हमारा कोई सेट ए से अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है तो एक्स अगर खुद से ही रिलेटेड हो तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। या फिर हम ऐसे कहें कि एक्स कॉमा एक्स अगर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं तो हम जो रिलेशन आर होता है उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अब सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट एक्स और वाई सेट ए से बिलोंग कर रहा है और अगर एक्स वाई से रिलेटेड है और y x से भी रिलेटेड है, y भी x से रिलेटेड है और x भी y से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन दिए हुए है R वो हमारा सिमेट्रिक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर x कॉमा y R से बिलोंग कर रहे हैं तो y कॉमा x भी R से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो जो हमारा रिलेशन होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ट्रांजिटिव क्या होता है, तो ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर तीन एलिमेंट हमें दिया हुआ है, कोई भी तीन एलिमेंट x, y, z जो कि सेट A से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर x, y से रिलेटेड है और y, z से रिलेटेड है और उसका मतलब क्या है कि हमारा x भी z से रिलेटेड हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से और y, z रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है और इसका मतलब निकल के आ रहा है कि x, z भी रिलेशन R से बिलोंग करने लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव है। चलिए, ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमें क्या चीज़ करना था, डिफाइन करना था। दूसरा क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया था इसी में कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 को हमें दिखाना था इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 को अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना होगा, दिखाना होगा, तो उसके लिए वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन कौन सा तीन कंडीशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए, सबसे पहला जो हमारा रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग कोई एलिमेंट ले रहे हैं ए, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। यानी कि हम जीरो को जीरो इंटू फाइव भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए कॉन्ग्रुएंट है ए मॉडुलो 5 के। यहाँ पे आप एक छोटा सा डैश लगा लीजिएगा, ए कॉन्ग्रुएंट है ए मॉडुलो 5 के। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। अगर हम लोग बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ए माइनस बी अगर 5q आ रहा है, तो अगर हम दोनों साइड में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए इधर भी अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तो हमारा ए के साथ माइनस नहीं लगा हुआ था, तो आके माइनस लग जाएगा, प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस बी और माइनस बी में माइनस था और बाहर भी माइनस, तो ये हमारा बी प्लस हो जाएगा, तो बी माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू 5 into -q। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ से समझ रहे हैं कि हमारा a माइनस बी भी 5 का मल्टीपल था और b माइनस ए भी 5 का मल्टीपल है। चाहे और हमें दिया हुआ था कि जो हमारा मल्टीपल होगा कोई भी नंबर है वो इंटीजर है, तो यानी कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, q बिलोंग कर रहा है, अगर q इंटीजर है तो माइनस q भी इंटीजर होगा, अगर 2 इंटीजर होता है तो माइनस 2 भी होता है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो 5 है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो 5 भी बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ था वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। चलिए बात करें अगर ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर हमारा a माइनस बी बराबर 5 into q1 दिया हुआ है और b माइनस सी बराबर 5 into q2 दिया हुआ है, तो हमें क्या शो करना होगा कि a माइनस सी बराबर 5 into कुछ नंबर आ जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों रिलेशन को ऐड कर देंगे, a माइनस बी बराबर 5q1 और b माइनस सी बराबर 5q2, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए a माइनस बी और b माइनस सी, देखिए यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, बचेगा a माइनस सी इक्वल टू 5q1 प्लस q2। 5 को कॉमन लेंगे तो q1 प्लस q2 आएगा, और q1 प्लस q2 दो इंटीजर है, मान लीजिए 1 और 2 रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, तो दोनों को हम जोड़ के 3 नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग q1 प्लस q2 की जगह पर कोई अलग इंटीजर बोले कि इसको ऐड करने पर मान लीजिए q आ गया, तो हम इसको 5 × q लिख सकते हैं, मतलब a माइनस सी का जो वैल्यू आ रहा है वो भी 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर a मोडुलो b इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो 5 लिखा हुआ है और b इज कंग्रुएंट टू c मोडुलो 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा a इज कंग्रुएंट टू c मोडुलो 5। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कंग्रुएंस मोडुलो 5 जो क्या होगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ था कि इसका हमको इक्विवेलेंस क्लास बताना था। तो इक्विवेलेंस क्लास हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये आप लोग समझिएगा। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है, अब कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 5 का अगर इक्विवेलेंस क्लास हमें डिटरमाइन करना है तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले मतलब इस तरह से कुछ डिटरमाइन करते हैं कि एस जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें वैसा नंबर लिखेंगे जो जिसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो जीरो रिमाइंडर बन के आए। यहाँ पे S1 लिखा हुआ है तो इसमें वैसा नंबर लिखेंगे S1 में जिसको हम डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बच के आए। जैसे माइनस नाइन को डिवाइड कर लीजिए, माइनस नाइन को अब जब डिवाइड कीजिएगा तो जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। जैसे यहाँ पे आप माइनस एट को डिवाइड कर लीजिए, माइनस एट को आप जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी 1 आएगा। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि रिमाइंडर 1 कैसे आएगा, रिमाइंडर 1 तो नहीं आ रहा है रिमाइंडर 2 तो नहीं आ रहा है जब माइनस 8 को डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहले वाला में रिमाइंडर S0 दिया हुआ है, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपको पता है पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, आप इक्वल टू पे मत जाइएगा। उसके बाद जैसे अब हम लोग 6 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो आपको पता है कि 6 को अगर डिवाइड करेंगे 6 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, बचेगा 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है। लेकिन ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि माइनस 9 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 कैसे बच जा रहा है। तो यहाँ पे अभी समझिएगा, अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 9 को, तो हम जानते हैं 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है, 5 × 2 = 10 होता है। तो अगर 10 में से मेरा कितना बचा हुआ है, एक ही ना बचा हुआ है, माइनस 9 है। 5 अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = -10 होगा, माइनस 2 से, तो माइनस 9 है और माइनस 10 है, जो हम जानते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 9 में से माइनस 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो नीचे ऊपर हमारा माइनस 9 है और नीचे प्लस 10 है, तो ये हमारा आ जाएगा 1, जो कि हमारा 1 रिमाइंडर बच रहा है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे S0 लिखा हुआ है, इसका मतलब वैसा नंबर इसमें लिखा हुआ है, सेट ऑफ वैसा नंबर का सेट लिखा हुआ है इंटीजर्स का जिसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। S1 में वैसा नंबर लिखा हुआ है जिसको हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 है, S2 में वैसा नंबर लिखा हुआ है जिसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, ठीक वैसे ही S4 में वैसा नंबर लिखा हुआ है जिसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आए। अब एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि कोई भी नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 नहीं आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4 तक आ सकता है, रिमाइंडर 5 नहीं आ सकता। जैसे अगर मान लीजिए 5 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो रिमाइंडर कभी 5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 5 आएगा ही नहीं, 5 अगर आना चाहिए था तो कट जाता है, 5 × 5 हो जाता, इसलिए रिमाइंडर कभी भी 5 यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख दिया है कि यहाँ पे SI का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच वेन डिवाइडेड बाई 5 लिव्स रिमाइंडर I, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग SI की जगह पर S0 रखें तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स वैसे इंटीजर का सेट जिसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचे। अगर यहाँ पे 1 रखें, SI की जगह पर यहाँ पे 1 रखें, तो मतलब वैसे इंटीजर्स का नंबर का सेट जिसको हम डिवाइड करें अगर 5 से तो रिमाइंडर 1 बचे। तो यहीं पे मैंने यही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे SI का मतलब है वैसा इंटीजर्स जिसको हम डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर I बचे, उसको हमने SI लिख दिया हुआ है। तो चलिए अभी के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।